दिल्ली की शिक्षा के संबंध में कुछ बात रखूंगा। पिछले 75 साल में शिक्षा की क्या यात्रा रही और आज जब वहाँ कहाँ खड़े हैं, और जब हिंदुस्तान 100 साल का होगा, दिल्ली आज़ाद दिल्ली 100 साल की होगी तो कहाँ पहुँचना है, इस संबंध में आज़ाद देश की राजधानी 100 साल में कहाँ पहुँचेगी, इसमें कुछ योजनाओं को भी मैं रखूँगा। 1951 के जनगणना के मुताबिक जो उनका सेंसस था, दिल्ली में सरकारी गैर सरकारी नगर निगम एडेड सब मिला के 619 स्कूल थे, और इनमें से ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल थे, हायर सेकेंडरी स्कूल तो केवल 62 थे। आज की दिल्ली में सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या मिला के हो गई है 5691। महोदय, शिक्षा पे किया गया काम केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की एक आधारशिला रही है, और सरकार के कुल बजट में पिछले 6 साल से लगातार 25% शिक्षा के लिए रखा जाता है। ये अपने आप में एक सबूत है कि हम शिक्षा को लेकर कितने गंभीरता से काम करते हैं। हमारी सरकार दिल्ली सरकार के स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग और शिक्षकों की देश दुनिया के बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद पिछले साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% पहुंच गए। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और उससे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाएं बिना किसी कोचिंग के पास करी। इस बार एक ही स्कूल की 80 में से 33 लड़कियों ने नीट का एग्जाम पास किया, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है। शिक्षा में जो इनोवेशंस हुए उनसे प्रभावित होकर नीति आयोग के रिपोर्ट में भी माना गया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल देश में नंबर 1 सरकारी। अच्छी स्कूल बिल्डिंग, शिक्षकों के बीच अच्छा वातावरण और शानदार रिजल्ट्स। इसके बाद हमें एजुकेशन की क्वालिटी पर कई और महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। हमने नर्सरी से 8वीं के बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लास की रोजाना शुरुआत की है, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने अंदर खुशी के फीलिंग्स को वैज्ञानिक तरीके से पहचानने लगे हैं। हैप्पीनेस के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए कि हैप्पीनेस क्लास के अंतर्गत 16 लाख बच्चे अपनी क्लास की शुरुआत 5 मिनट के माइंडफुलनेस मेडिटेशन से करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में रोजाना मेडिटेशन का ये प्रयोग अपने आप में अनूठा है, और हैप्पीनेस के अंदर देश भर के राज्यों की रुचि बढ़ रही है, इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स की बहुत रुचि बढ़ रही है, तो उसको देखते हुए हमने इंटरनेशनल इसकी नॉलेज शेयरिंग के लिए इंटरनेशनल सेल की स्थापना हम इसमें कर रहे हैं। 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। इसका मकसद है बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिस्क टेकिंग, सेल्फ मैनेजमेंट जैसे जो जिन्हें हम 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं, उनका विकास करना। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम के तहत इस साल हम 11वीं 12वीं के बच्चों को उनकी उद्यमशीलता के प्रदर्शन के लिए ₹2000 प्रति बच्चे की सीड मनी उपलब्ध कराएंगे, और बच्चों को अवसर देंगे कि वो अकेले या छोटे छोटे समूहों में बिजनेस आइडियाज लेके आए, कुछ काम करने के, कुछ बिजनेस, कुछ इन्वेस्ट करने के आइडियाज लेके आए, और अपनी क्लास और अध्यापकों के सामने उसको प्रस्तुत करें। उसके बाद आसपास के एंटरप्रेन्योर्स, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ उसकी स्क्रूटनी कराएंगे, और वहां से पास हुए प्रोजेक्ट को फिर हम प्रति बच्चा ₹2000 सीड मनी के हिसाब से फंड करेंगे, और उससे ताकि बच्चे के अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज उसकी बढ़े, उसको बिजनेस करना, इनोवेटिव तरीकों पर अपना काम करने का उसको अभ्यास हो। इनमें से सफल आइडियाज जो होंगे उनकी एक बड़ी एग्जीबिशन भी एंटरप्रेन्योरशिप की लगाएंगे हम, और जो अच्छे आइडियाज होंगे उनको अवार्ड भी देंगे। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति और सैनिक स्कूल अकेडमी का मैं जिक्र कर चुका हूं। इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर ले जाने के लिए सरकार इस साल 3 और बड़े कदम उठा रही है। वो है कि पहला है नर्सरी से 8वीं कक्षा के लिए नया सिलेबस तैयार किया जा रहा है, दूसरा है दिल्ली का अपना शिक्षा परीक्षा बोर्ड स्थापित किया जा रहा है, और तीसरा है दिल्ली में 100 स्कूल ऑफ एक्सलेंस स्थापित किए जाएंगे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खूब करना सिखाया, और विशेषकर एजुकेशन में हमारे टीचर्स ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के ऑनलाइन एजुकेशन को सच करके दिखाया। इसमें विशेष उल्लेख मैं ऐसे अध्यापकों का करना चाहूंगा जिन्होंने संभवतः जिंदगी में कभी स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं किया होगा पूरी जिंदगी में, लेकिन जब वक्त आके पड़ा तो उन्होंने अपने बच्चों से मदद ली, अपने यंग टीचर्स से मदद ली, लेकिन उन्होंने टेक्नोलॉजी को सीखा, ऑनलाइन एजुकेशन को सीखा, और लगभग 1 साल तक अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाया ऐसे टीचर्स ने जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी अपने स्मार्टफोन को हाथ नहीं लगाया होगा, तो उनका हम आज सम्मान व्यक्त करते हैं। कोविड की वैक्सीन आ गई है, और यह बीमारी आज नहीं तो कल, बीते कल की बात हो जाएगी, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे बीच रहेगी। टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल एजुकेशन में हुआ उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं, आगे के लिए लेके चल रहे हैं। इसलिए सरकार ने तय किया है कि हम, ये भी अपने आप में एक अनूठी चीज है, कि दिल्ली में एक नए तरीके का स्कूल शुरू करेंगे, वर्चुअल दिल्ली मॉडल स्कूल, यानी एक ऐसा स्कूल जिसमें 4 दीवारियां नहीं होंगी, कोई बिल्डिंग नहीं होगी,
पढ़ाई होगी, बच्चे होंगे, अध्यापक होंगे, एनरोलमेंट होंगे, एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन चार दीवारियां नहीं होंगी। ये वर्चुअल मॉडल स्कूल होगा, दिल्ली का एक अपने आप में अनूठा प्रयोग होगा और शायद दुनिया का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल। ये स्कूल की डिजाइनिंग पे काम शुरू हो गया है और मेरी कोशिश रहेगी कि अगले सत्र से अपना काम करना शुरू कर दे। इसका फायदा दिल्ली के विद्यार्थियों के साथ साथ उन बच्चों को भी मिलेगा जो देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं लेकिन दिल्ली के शिक्षा मॉडल का लाभ उठाना चाहते हैं। हम उन सब बच्चों को एनीवेयर लिविंग, एनी टाइम लर्निंग, एनी टाइम टेस्टिंग की सुविधा देके उसके तहत सीखने के अवसर देंगे। इसके साथ ही स्कूल में नई बिल्डिंग बनवाने, नए कमरे बनवाने, स्कूलों में CCTV लगवाने के जो काम कोविड के कारण धीमे हो गए थे उन्हें वापस तेजी से शुरू कर दिया है। इनमें से कई अपने अंतिम चरण में हैं। शिक्षकों को IIM, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, फिनलैंड, सिंगापुर भेजने की जो योजना, प्रशिक्षण की योजना पहले चालू थी उसको वापस उन्हें चालू कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी बात अध्यक्ष महोदय उच्च शिक्षा की करना चाहूँगा। स्कूल की मैंने बात की, उच्च शिक्षा में आज़ादी के बाद से दिल्ली की गुणवत्ता में अगर हम बात करें तो जो शानदार काम तो हुआ, गुणवत्ता के लिहाज से शानदार काम हुआ, लेकिन बढ़ती आबादी के हिसाब से उच्च शिक्षा के अवसर दिल्ली में हर बच्चे को उपलब्ध हों उस पर हम 75 साल में कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए मैंने कहा कि हमको बात करनी चाहिए कि हम कहाँ पहुँचे, कहाँ कमी रह गई और कहाँ जाना है। तो 75 साल में हम हायर एजुकेशन में सेटिस्फैक्ट्री काम दिल्ली में नहीं कर पाए हैं। जितनी आबादी हमारी बढ़ी है उस हिसाब से हम बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हालांकि पिछले साल 6 साल में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी करते हुए दिल्ली में हायर एजुकेशन की सीट्स में 36.42% और टेक्निकल एजुकेशन में 66.44% की सीटों की वृद्धि हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। गुरु गोविंद सिंह IIT यूनिवर्सिटी के ईस्ट कैंपस का निर्माण 2021 में मई तक पूरा हो जाएगा। धीरपुर रोहिणी में अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नया परिसर 2023 तक पूरा हो जाएगा और इससे हमारे विद्यार्थियों की क्षमता इनटेक जो है वो 8,500 और बढ़ जाएगा। हायर टेक्निकल एजुकेशन के सेक्टर में स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी अपना काम शुरू कर चुकी है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी अपना काम इस साल से शुरू कर देगी। नई शिक्षा नीति के बाद हमें देश में टीचर ट्रेनिंग पर बहुत जोर देना पड़ेगा। उसमें अच्छी चीज़ ये हुई है कि अभी तक ग्रेजुएशन के बाद टीचर ट्रेनिंग होती थी, जो BEd होता था। नई शिक्षा नीति में 4 साल का टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम को देश में मंजूरी मिल रही है। तो इसके लिए नई शिक्षा नीति में ग्रेजुएशन के स्तर पर 4 साल की टीचर ट्रेनिंग का एक बोर्ड का कोर्स आ रहा है।